नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे देखिनबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइंस नराउछि महामारी राज्य रे 200 अतिक्रम कला कोरोना संक्रमण गत 24 घंटा भितरे राज्य रे 214 आक्रांत चिन्हट सूचना दिले राज्य स्वास्थ्य विभाग देशरे लॉकडाउन को पुरिला एक वर्ष जाइनी भय थमुनी आतंक सेपटे दिन करे देशरे 24 घंटा रे 53,000 नुआ पॉजिटिव गोटिए दिन रे 249 बन नेला वायरस महाराष्ट्र रे पूर्णी सर्वाधिक 31,000 केस बढ़ला कोरोना चिंता ओडिशा रे 3 यूके स्ट्रेन पूर्व भली कटकणा जोरदार नवरंगपुर रे आज छु रात 8 रु सकाळ 6 नाइट कर्फ्यू रेवेन्सा रु 2 पॉजिटिव परे आज हेबाको तिबा यूजी पीजी परीक्षा पर राजधानी को कोविड टेंशन आज छु सबु शिक्षानुष्ठान रो हॉस्टल जांच ओ टेस्टिंग रेलवे स्टेशन ओ विमान बंदर परिदर्शन कले बीएमसी कमिश्नर रेड फ्लैग राज्य रो आसले ब रैंडम टेस्टिंग आज आसाम ओ बेंगल रे हाई वोल्टेज कैंपेनिंग साओ ओ ममता को चारोटी लेखाएं राली राजनाथ सिंह को सह प्रचार मैदान रे योगी आदित्यनाथ आज सरुचि प्रथम चरण पई प्रचार समलेश्वरी नर्सिंगहोम उत्तेजना चिकित्सा अभाव रोगी मृत्यु अभियोग बुर्ला थाना एतला सेपटे घटना संपूर्ण भित्तिहीन कहले नर्सिंगहोम मालिक जेई मेन परीक्षा फल प्रकाश 13 छात्र छात्री 100% रिजल्ट ओडिशार देवाशिष पंडा टॉपर परीक्षा देते 5,90,000 पिला एवं तातिरु नाही मुक्ति आसंता सप्ताहे जळिबो ओडिशा बढ़िबो खरार प्रकोप अंशुघात हेबा नै सतर्क कराइला पाणीपाग केन्द्र भारत में पुणि भय बढ़ाऊ कोरोना भाइरस 24 घंटे देश में 53,419 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती गोटे दिन में जा 249 जनक जीवन महाराष्ट्र में पुणि थरे सर्वाधिक 31,855 संक्रमित चिन्हट होती से पंजाब में 2,613 केरल में 2,456 और कर्णाटक 2,298 पॉजिटिव केस सामना को आसी जदि विश्व कथा देखा तेरे ब्राजिल दिनक संक्रमित संख्या 90,000 टपिचे दिनक ब्राजिल 2,244 जीवन नहीं कोरोना आमेरिका सह अन्य यूरोपीय देश में भी बढ़िबारे लगी आक्रांतों संख्या लॉकडाउन को पुरिला एक वर्ष 2020 मार्च 25 तारीख में समग्र देश में लॉकडाउन होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख में देशवासी को उद्बोधन दे देशव्यापी 21 दिनिया लॉकडाउन घोषणा करते लॉकडाउन जगु 130 कोटी लोक कठोर कटकणा मध्य रही थे संक्रमण बढ़िबारु लॉकडाउन मे 31 पर्यंत जारी रही लॉकडाउन को बर्षे पुरुवा बेले देश में पुणी थे लॉकडाउन जारी होगा भाई स्थिति उपजिला लगातार देश में संक्रमण बढ़ी चली दैनिक संक्रमण एवं 50,000 मुहां हो गत वर्ष नवेम्बर 12 तारीख में शेष थर पर संक्रमण मामला 47,905 था तेज 14 दिन धरी देश में सक्रिय मामला बढ़ी चली तबे गोटे पटे भारत रे कोरोना संक्रमित संख्या वृद्धि पाउछि एपटे आज लॉकडाउन को बर्षे पूरी तबे ठीक 2020 मसीहा मार्च 25 तारीख में समग्र देश में लॉकडाउन होता तबे वर्तमान जो स्थिति देखा देलाणी जो मात्रा रे संक्रमित संख्या वृद्धि पाउछि कोटना कोठी पुणी थरे से लॉकडाउन शटडाउन मु आमे हेबाकु जाउछंती तबे ए सबु भितरे जे जहाँ कहुची जे संक्रमित संख्या को जदि आकलन को निजाए तेज स्थिति आग को सांघातिक होबार संभावना रही संपर्क में आलोचना करवा आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाला आम सहित जोड़ गगन गोटे पटे भारत में पुणी थे कोरोना भाइरस भय संचारण हो सबु भितर लॉकडाउन को आज बर्षे पूरी जदि आम सचेतन न होचे पुणी थे से लॉकडाउन भली संभावना देखा संभावना देखा दूसरी तेरे दिल्ली में किभली स्थिति रही
देखो निवेदिता निश्चित भाव 4 मास रु अधिक समय पर प्रथम थर पर 50,000 रु अधिक केस बर्तन सामना को आसी बर्तन देखिए लगातार जेभली भाव कोरोना ट्रेंड वृद्धि होबार लगी बर्तमान 4 लक्ष क्रस कला एक्टिव संख्या देखिए जी लगातार 3 मास धरी जो भाई संख्या कमी जाता और सबू राज्य पाखापाखि मुझे दिल्ली कहि दिल्ली में जी संख्या देखिए जो एक्टिव संख्या था 40 रु 50 भितर सीमित था बर्तमान से संख्या 1000 को क्रस कला से भाव में पंजाब देखु केरला देखु महाराष्ट्र देखु महाराष्ट्र जी सबुठू बेसी अफेक्टेड राज्य भाव में बर्तमान परिगणित होती निश्चित भाव समस्त मन में पुणि थे गोटे भय संचार कर कहीं गोटे वर्ष ठीक आज दिन को जब आम मन पक सका सका आम चित्र देखुले अनेक रास्ता जो थी संपूर्ण रूपे खाली थी कितु अनेक जगह देखा मिलला जो दिन मजुरी मान रोच प्रवासी श्रमिक मान रोच्च से घर बाहड़ापी चिंता कले कहीं जो एक दिनिया लकडाउन कथा सामना को आसला किभली भाव से खाइबे किभली भाव से खाद्य पानीयर व्यवस्था कर कहीं सब कथ को लेकिन कन्फ्यूजन थे जो हटात कर्फ्यू जारी कर दिगला हटात जो भय थी बर्षे पूर्व जो भय लोक मानला से भय बर्तमान आज देखा मिलनी कहीं लोक मैंने जेहेतु वैक्सीन गोटे प्रकार आरंभ है गोटे वर्ष रु अधिक समय धरी लोक मैंने कंट्रोल कले तेनाली तो बर्तमान मैं कंट्रोल बाहर को चली जाऊँ कहीं लोक मान जो अभ्यास खासकर भारतीय संस्कृति जो अभ्यास रही 12 मार्च से 13 पर्व बोली कहुए तेणु सबू पर्व लोक मैंने सेलिब्रेसन अभ्यास लोक रही तेणु हटात गोटे बैरिकेड भितर गोटे वर्ष से जेहतु रही तेणु कौटना कौट लोक मैंने बर्तमान खामखियाली नीति आपणाऊँ विशेषज्ञ मैंने हूँ डाक्टर मैंने कथा कहूँ सरकार कथा कहतु विभिन्न फोरम लोक मूँ बुझा जा करोनार भयावहता रही द्वितीय लहर आरंभ हो कहीं देखिए सबुठ बर्तमान गुरुत्वपूर्ण कथ हो जो यूके ब्रिटेन स्ट्रेन कथ कहला ता बर्तमान वृद्धि पाइबार लगी संख्या जी कहे 200 तौक बर्तमान से 1000 क्रस को गला से संख्या देखा मिलूँ धीरे धीरे जो पॉजिटिव गत काली किसी यूके ट्रेन सामिल होती तेणु ये जो स्ट्रेन गोटे गोटे स्ट्रेन बर्तमान विश्व दरबार में देखा से स्ट्रेन जो भारत में चिन्हट है तेणु ये आहरी कथा कौटना कौटी सरकार मुंड व्यथार कारण हो पाए और अपर पक्ष देखिए जो वेस्टेज होनेक राज्य में जो करोना टीका को लेकिन कहीं जेहतु फास्ट टाइम टीकाकरण करोटी भैलीड सरी जा ठीक से दे पार ना स्वास्थ्यकर्मी मैंने जोटा कि ओडिशा जी आम कथा एग्जांपल ला सुंदरगढ़ सब हाएस्ट नष्ट वैक्सीन जिला भाव में परिगणित होशार से भाव नासिक कहतु मुंबई कहतु अनेक जगार वैक्सीन वेस्टेज हो जाए तेणु आहरी ट्रेनिंग आवश्यकता रही कौन सी बिना जोधार लोक मोटिवेट कर आवश्यकता रही कहीं अनेक लोकर मानसिकता रही जेहेतु नुआ आसूची टीकाकरण नुआ वैक्सीन टी रही तेणु से सठिक रूपे काम करदी ने तार किसी साइड इफेक्ट रोचे कि ना यही अनेक कथा लोक मानी और सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा निवेदिता कह जो बर्तमान द्वितीय लहर आरंभ हो प्रतिहत करने जेहेतु केन्द्र सरकार स्पष्ट भाव गाइडलाइन कले लॉकडाउन हेबना संपूर्ण राज्य संपूर्ण एरिया लॉकडाउन किंतु आवश्यक पड़े जिला स्तरीय वार्ड स्तरीय बा ब्लॉक स्तरीय लॉकडाउन हम तेनाली नहीं कौटना कौटी जो भी अधिक मात्रा रे कंपनी गुड़िक रही मुझे गुजरात को एग्जांपल हिसाब से नहीं पारि सोरठ को जो सूता कल गुड़िक रही जो डेली लेबर ओडिशा सब अधिक रही कहुए जदि ताफेक्ट होनेक जगार देखा कौटी बर्तमान कोरोना रही का देह रही कि मात्र रही बर्तमान कहारिक जाना ना और सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ जो 85% देखा मिलूँ जो कथा गत काली केन्द्र सरकार पक्ष जो महाराष्ट्र केस डेली 25,000 रु अधिक केस आठ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ 85% लोकों पाखे कौन सी लक्षण देखा जाऊना तो लोक मैंने जापार ना बर्तमान एभली स्ट्रेन गोटे सामना को आक मैंने जापार ना से कोरोना अफेक्टेड कि नुहे ये सबुठ मारात्मक कथ लोक मैं आग को जी देखिए अनेक पुणी पर्व रही कहतु रामनवमी कथा कहतु होली पर्व कथा कहतु अनेक जगार होली मेलन रोक लग जा उत्तर प्रदेश कथा कहतु पंजाब ओडिशा दिल्ली केरला कर्णाटक अनेक राज्य जो स्ट्रेन देखा तेनालीराम प्रशासन रो मुंड बिंधार कारण साजिश तेरे जहाँ विशेषज्ञ मत पूर्व स्ट्रेन और नुआ स्ट्रेन मध्य तफात या ये 70% अधिक प्रभाव पकाउ मृत्यु संख्या अनुसार संक्रमित संख्या ढेर अधिक आसना को तेरे तेणु समय आसी समस्त आहरी सजग होबार आवश्यकता रही ना पुणी थे लॉकडाउन शटडाउन को आमको सामना करने को पड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल इस संपर्क में आम सहित अधिक आलोचना करते
मलकानगिरी परे नवरंगपुर को फेरिला नाइट कर्फ्यू। आज नवरंगपुर में लागू हेबो नाइट कर्फ्यू। राति 8:00 सकाळ 6:00 पर्यंत लागू हेबो नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू सह अन्य कटकणा जारी करिसेंति जिलापाल। गहळी होतबा धार्मिक कार्यक्रम बाहागर रिसेप्शन सबु बंद। बाहागर शोभायात्रा ओपेरा उपरे रोक लगा जायछि। आसा राजनैतिक शोभायात्रा आंदोलन उपरे मध्य रोक लगा जायछि। रेवेन्सा विश्वविद्यालय दुईज छात्री पॉजिटिव चिन्हट। दुईज छात्री विश्वविद्यालय छात्री निवास में रोथिबारु सेमानको कंटाक्ट ट्रेसिंग आरंभ हो जाएछि। तबे एथिपई कॉलेज रे आज हेबाकु थिबा यूजी पीजी परीक्षा को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बातिल करिसेंति विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष। या सहित परवर्ती परीक्षा गुडीक बाबद रे निष्पत्ति ग्रहण करबा पई एक उच्च स्तरीय बैठक डाकिसेंति कर्तृपक्ष। तबे वर्तमान जे खबर आसी पहुंचुची जे राज्य रे आज 24 घंटा रे 214 नुआ पॉजिटिव सामना को आसुची। ये गोटे बड़ धरणर संख्या जा सामना को आसुची। तबे ओडिसा रे वर्तमान सुधा एक्टिव केस रहिछंती 1151। तबे क्वारंटाइन रु 126 लोकल केस रहिछ 88। खोर्धारु सर्वाधिक 33 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। तबे सुंदरगढ़ रु 27, बलांगीर रु 20, कटक रु 20 एवं बरगढ़ रु 13, बालेश्वर रु 11, ढेंकानाल 10, संबलपुर 10 एवं कोरापुट रु मध्य समान भाबे 10 पॉजिटिव सामना को आसिछंती। तबे जदि कहबा जे खोर्धारु सर्वाधिक 33 पॉजिटिव सामना को आसिछंती एवं 24 घंटा रे जा चिंताजनक कथा सामना को आसुची जे 200 नुआ पॉजिटिव सामना को आसिछंती। तनु कोटा कोठी संक्रमितों को संख्या राज्य रे धीरे धीरे वृद्धि पाइबारे लागिछ। तबे जा चित्र सामना को आसुची जे राज्य रे 24 घंटा रे 214 नुआ पॉजिटिव सामना को आसिछंती एवं एक्टिव केस वर्तमान सुधा 1151 रहिछि। तबे खोर्धारु सर्वाधिक 33 पॉजिटिव सामना को आसिछंती। एया सहित क्वारंटाइन सेंटर रु 126 एवं लोकल केस 88 रहिछि। दिव्य ज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि संपर्क में आलोचना आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती। दिव्य जदि कहबा जे लगातार किछि दिन कथा को जदि आलोचना को निया जाए हुए तो आज हेउछि सर्वाधिक पॉजिटिव। तेणु राज्य में दिनक दिन संक्रमितों संख्या वृद्धि पाइबारे मध्य लागिछि। कौन अपडेट रही तबे दिव्य जदि सुनि पाउछंती जे आपण जानिथिबे जे लगातार 3 रु 4 दिन कथा जदि आकलन को निया जाए तबे आज सर्वाधिक पॉजिटिव 200 नुआ पॉजिटिव सामना को आसुची। ये नियाति बाबरे चिंताजनक विषय। निश्चित निवेदिता जो भाव लेकिन विशेषकर महाराष्ट्र पंजाब मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ यही जगार कोरोनार को आज समग्र देश में 50,000 ऊर्ध संक्रमित चिन्हट होती से ही क्रम देखा ओडिशा गत 24 घंटा भितर 200 पार करोना संक्रमित संख्या यह हूँ 2021 मसीह सर्वाधिक रेकर्ड करा जहाँ आज देखिए आज 214 संक्रमित चिन्हट होती जहाँ 2021 मसीह सर्वाधिक जो भाव में गत काली 170 संक्रमित चिन्हट होते आज यह 200 पार कर कोरोनार कर जोखाणी ओडिशा पर धीरे धीरे होती संक्रमण संख्या एक प्रमाण कर देखिए दुई जगह बर्तमान नवरंगपुर जो मलकानगिरी किसी जगह आहरी कड़ाकड़ी कराहपटे छत्तीसगढ़ जो प्रति जिला रही है से कटक आहरी कड़ाकड़ी करा राज्य सरकार पक्षर को अनुरोध राज्यवास अनुरोध करोनार जो सब रही आक्टिविट कोरोनार जो सब गाइडलाइन रही अनुपालन सठी ढंग कर मुख्यमंत्री निजे एनफोर्समेंट को अति कड़ाकड़ी करने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते जो देखिए भुवनेश्वर हो कटक हो विभिन्न सहरांचल अधिक फोकस करोराचलवासी को अनुरोध करा को जाते जनगहलीपूर्ण स्थान से मास्क पिंधे घर को आसा पर सानिटाइज हम ये सब प्रसंग को जमी पूर्व अनुपालन करते अनुपालन करके ढिला दूसरे कोरोना जो कर भयंकर स्थिति में आपण आसिकर बर्तमान आहरी थे कहुची जे जे पर्यंत समस्त ये भैक्सीनेसन शेष न होती से पर्यंत जो रही आकलन करा पड़ो और भैक्सीनेसन प्रक्रिया को त्वरावित कराई यार भितर आप जानते 4 लाख
ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ଏ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ 2020 ମସିହାରେ ହୋଲି ସୁରାଠୁ ହୋଲିରେ ଯେମିତି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୟାର ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ 2021 ର ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ କରିଛି କୋଭିଡ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 214 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଲକଡାଉନକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା, ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି କଟକଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ରାଣ୍ଡମ ଭାବେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ଲକ୍ଷଣରେ ଭାଇରସ ଥିବା ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିକୁ ମିଳିଛି ଅଧିକ ଫୋର୍ସ। ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ହେବ ଯାଞ୍ଚ, କୋଭିଡ୍ ସଚେତକଙ୍କୁ ପୁଣି ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ବିଏମ୍ସିର 3 ଜୋନ୍ରେ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହେବେ 6 ଅଧିକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା କି ଦେର୍ ୱାଜ୍ ସମ୍ ଲେସ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ କି ମିନିମମ୍ 200 ଲୋକ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ପର୍ ଡେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବେ। ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଅର୍ଲିୟର୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ। ଯିଏମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯାହାର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥିଲା ଆମେ ତାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଲୁ କି ଦେର୍ ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏସିମ୍ପଟମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ୍କୁ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ବି କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 200 ଆଟ୍ ଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବି କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ, ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଟୁଡେ ଆର୍ ଡେ ଆଫ୍ଟର୍ ଟୁମାରୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବି ଆମେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟିମ୍, ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ତାହାର ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 17,000 ହୋମଗାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଯାହା ବହୁତ କମ୍। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦୈନିକ 533 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଉଚିତ। ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ओडिशा राज्य में करीबन 17,000 होमगार्ड कार्यरत हैं और हम सबको ज्ञात है कि पुलिस कर्मियों को आपातकालीन स्थिति में सहायता पहुंचाने के लिए होमगार्ड की नियुक्ति की जाती है। जैसा कि मैंने कहा 17,000 से ज़्यादा होमगार्ड्स हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा सर कि प्रतिदिन उन्हें सिर्फ 300 रुपये भत्ते के रूप में मिलता है। Daily allowance is just 300 rupees for each of the home guards in Odisha and the number is 17,000. Lekin main aapko batana chahungi ki Supreme Court ne kareeban kuch saal pehle March 2015 mein ek aadesh diya tha, kaha tha ki police karmiyon ko jo nyuntam bhatta milta hai dainik bhatta wo home guard ko milna chahiye, lekin us Supreme Court ke aadesh को माना नहीं गया है। उसके बाद ओडिशा होमगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने रूलिंग दी कि 533 रुपये प्रतिदिन होमगार्ड को दैनिक भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। डिमांड कीजिए, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है सर। मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अनुरोध करना चाहूंगी श्री बीपी सरोज कि इस दिशा में सर ओडिशा राज्य सरकार से बातचीत करें और ओडिशा होमगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड है कि जो मांग है सर उसकी पूर्ति की जाए। धन्यवाद। बढ़ुची खराब, बढ़ुची जल संकट। अनुगुल जिला छेंडीपदारे ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ। ତେଲି ସାହି, ମାଳି ସାହି, ସେଠି ସାହିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି।
तीनी साईर महिला माने बारंबार ब्लॉक कार्यालय को आसी अभियोग कले मध्य कोनोसी सुफल मिलि पारु नाही जा फळे पीबा पाणी टिकक पई हंतसंत हेउछन्ति लोके जाकुने साईर शताधिक महिला ब्लॉक सम्मुखरे धारणा दैथिले आरडब्ल्यूएसएस विभाग प्रतिश्रुति परे धारणा रो ओरिछन्ति आज आसाम और बेंगल में प्रथम पर्याय निर्वाचन सरुचि प्रचार शेष दिन में पूरा जोर लगाई समस्त दल आज पश्चिमबंगे चारोटी राली करेंगे गृहमंत्री अमित शाह पुरुलिया विष्णुपुर झाड़ग्राम और तुमलुक राली करेंगे गृहमंत्री सेपरि टीएमसी पश्चिम मेदिनापुर और दक्षिण चौबीस प्रगणारे प्रचार करेंगे ममता सेपरि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ और गौतम गंभीर प्रचार मैदान को ओ बुर्ला समलेश्वरी नर्सिंहोम उत्तेजना चिकित्सा अभाव रोगी मृत्यु अभियोग मृतकों पर लोके बुर्ला थाना अभियोग साखीपड़ा अंचल कैलाश बाग बुर्ला समलेश्वरी नर्सिंहोम चिकित्सा भर्ती होते कि दीर्घ समय पर्यंत चिकित्सा कौन से डाक्तर देखा ना रोगी मृत्यु पर डाक्तर पहुंची चिकित्सा टंका दाबी करते कि पर लोकों सन्देह होवर रोगी को चेक करते कैलाश मृत्यु हो जाने उत्त्यक्त हो पड़ते पर लोके नर्सिंहोम किसी समय उत्तेजना प्रकाश पाई बुर्ला पुलिस पहुंचा पर उत्तेजना थमी किंतु घटना संपूर्ण भित्तिहीन बोली नर्सिंहोम मालिक बुर्ला थाना मामला रुजु पर तदंत कार्यानुषान बुर्ला एसडीपीओ जितेबाला साढ़े चारटा दिन गोटे पेसेंट खराब हो गला बोले आम भी जाइना पचरल कि आम पेसेंट के अच सका आम एगार बजे आसुचु अधा अधा घंटे आम फैमिली मेम्बर जाऊन पचराचन आम पेसेंट के अच्छे हाँ चलीचे ट्रीटमेंट चलिए डक्टर किए डक्टर ना ना कह साढ़े चार बजे जितने से नेक्स्ट पेसेंट मल्ला छः नंबर बेड बोले इन चिल्लालु आम डक्टर ना तो कह से डक्टर ना तापरे कह तापरे कहले बोले डक्टर के कले जाइना कहलु डक्टर के डाक साखीपड़ार जड़े रोगी आसी एटी मृत्यु होने मेडिकल नेग्लीजेन्स होती अभियोग आनी टे उत्तेजना होता पुलिस फोर्स मुतयन होती नियंत्रणाधीन अच्छी आर तदंत कर केस रुजुच बुला थाना तदंत तार आसला बेलू नाड़ी ना बीपी पल्स ना सीभीयर सेप्टिसीमिया बोलिक आम भर्ती कर हस्पिटाल आईसीयू पाइली बोली आम आईसीयू रखी सब यथारीति चिकित्सा कराई डाक्टर बाबू मैंने बुझे जे रोगी कंडीशन विषय रोगीर मृत्यु तार बेमारी कौन सी नेग्लेक्ट एपी है तबे पुरी जिला पिपिली एक खबर आसी पहुंचुची जे बकेया विद्युत बिल आदाय को नहीं मारपीटर चित्र सामना को आसुची पुरी जिला पिपिली अंचल रे देखिबा को मिलिछि एबळी घटना तबे विद्युत बिल आदाय को नहीं तुमळ कांड घटिछि विद्युत विभाग कर्मचारी एवं उपभोक्ता को मध्यरे हाताहाती परिस्थिति उपजिछि तबे पिपिली एनएससी अंचल रे विद्युत बिल आदाय करबा को आसितवा बळे विद्युत विभाग कर्मचारी को आक्रमण करिछंती स्थानीय बासिंदा बहुत दिन थिबा बकेया टंका न देबा हेतु विद्युत विभाग कर्मचारी तार कटिबा को आसितवा बळे एभली उत्तेजना होइतबा देखिबा को मिलिछि तबे नै पिपली थाना रे अभिषेक होइतबा जणा पडिछि समस्त रिचि बुलेटिन को एटुकुचु नमस्कार।